सर्वा स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। 15 अगस्त भारत वर्ष का राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश वर्ष 1857 से वर्ष 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के बाद ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से हर भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाढ़ भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, जो बाढ़ भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा दिया करते थे। हम वही दिलैर हैं जो चक्रव्यूह में वापस आने की विद्या सीखे बगैर गए। हम वही दिलैर हैं जो चक्रव्यूह में वापस आने की विद्या सीखे बगैर गए और हमें आगो जिनके फेंके पत्थर पानी में तैर गए।
हेलो सुने न सुने किस भाई की का ये सुधार सुने हम सबत की रतन सुन न सके भारत माता जय गान सुने पर ले हर वर बिगार मैं तेरे द्वार तन ले ये पुकार कहता हूँ हर वर बिगार मैं तेरे द्वार पर ले ये पुकार कहता हूँ चाहे अपनी वो माटी और घर वाला लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपने संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भवन विजय भवन शिक्षक शिक्षिकाएं आज हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों इस साल हम इस खुशी में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस क्रम में हमने आज़ादी के उन दुखद पक्षों को भी कल स्मरण किया विभाजन की विभीषिका की स्मृतियों के रूप में प्रिय बच्चों एवं साथियों आज़ादी बड़े कष्ट के उपरांत मिली बहुत सारे लोग जो आज़ादी के मकसद को लेकर आगे बढ़े थे वे आज़ादी का सूरज नहीं देख पाए यूं कहूं कि वे आज़ादी की किस्ती तूफानों से निकाल करके लाए थे और अपने प्राणों की बलि दे करके हमारे हाथों में सौंप गए और एक मौन संदेश कि ना सिर्फ आप इसी की रक्षा करेंगे अपितु इसे आप आगे बढ़ाएंगे संरक्षण और संवर्धन दोनों की बड़ी भारी जिम्मेदारी भारत की पीढ़ी पर देकर चले गए आज आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने के शुभ अवसर पर हम संकल्प लेंगे कि हम उनके सपनों को उनकी सोच को साकार करेंगे
हम स्वतंत्रता को कभी भी स्वच्छंदता नहीं बनने देंगे। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी स्वतंत्रता अर्थात प्रत्येक भारतीय की स्वतंत्रता बाधित ना हो। जय हिंद, जय भारत।